दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो आ नहीं रही थी, लेकिन अभी जो वीडियो आई है ना बहुत ही आग लगेगी अभी अमेज़ॉन फ्लेक्स में। दोस्तों अमेज़ॉन फ्लेक्स में ना अभी दिवाली हो जाने के बाद बहुत ही पैकेट कम ऑर्डर हो रहे हैं अभी अमेज़ॉन से, तो अमेज़ॉन फ्लेक्स के डिलीवरी बॉयज उनको बहुत ही कम स्लॉट मिलते हैं। ओके, तो पहले क्या हुआ था, मैंने एक इससे पहले वीडियो डाला था उसमें बताया था कि अमेज़ॉन फ्लेक्स के बंदे हैं वो डीसी में, मतलब जो स्टोर होता है जहाँ से पैकेट पिक किए जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद उनको बोला गया था दो बार, मतलब मेरे सामने, तो वहाँ पे बोला गया था कि पैकेट नहीं, आप घर जाओ, आपको पैकेट्स नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे जो डिलीवरी बॉयज़ ने कस्टमर केयर से बात की कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं फिर भी हमें पैकेट नहीं दिए गए और जो हमारा पैसा है वो कैसे आएगा, तो कस्टमर केयर ने बात बोला था कि आपका पेमेंट आपको पहुँचा दिया जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज, मतलब वो वीकली पेमेंट करते तो तब आ जाएगा, जब आपका वीकली पेमेंट आता है तो तब उन्होंने मेल किया तो सबको लगा कि आएगा, लेकिन अमेज़ॉन फ्लेक्स ने उनका पेमेंट अभी तक नहीं दिया है। तो ऐसा लगता है ये अमेज़ॉन फ्लेक्स को ये तो ऐसा हुआ कि देंगे, अभी बोल रहे नहीं देंगे, मतलब अभी भी बोल रहे, अगर आप फिर कॉल करते हो अमेज़ॉन कस्टमर केयर को तो वो बोलते हैं कि हाँ पेमेंट आपको मिलेगा, कब मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं, वो मेल पे मेल डालते जा रहे हैं अभी तक, मतलब जो डिलीवरी बॉयज़ का जो पेमेंट, मतलब वो कैसा है, जाने के बाद पेमेंट स्कैन करने के बाद मिलता है, तो वहाँ पे उन्होंने जिससे मतलब जो स्टोर रहता है वहाँ पे स्कैन करने नहीं दिया, तो जो एल्गोरिथम रहता है उसके हिसाब से पेमेंट नहीं आएगा। लेकिन जो डिलीवरी बॉयज़ ने कंप्लेंट डाली थी वहाँ पर कहा गया था कि आपको आपका पेमेंट मिलेगा, इसके तहत आपको पेमेंट, मतलब जो डिलीवरी बॉयज़ है उनको पेमेंट आना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। ये अमेज़ॉन की जो दिक्कत है ना, ये मुझे बहुत यहाँ पे लग रही है दोस्तों। तो मुझे लगा कि यार नहीं, अब इसके ऊपर वीडियो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत हो रहा है, बहुत दिन हो गए, क्योंकि ये प्रॉब्लम 31 नवंबर अभी चल रहा है, नवंबर 31 अक्टूबर का प्रॉब्लम है ये, तब से ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक जो डिलीवरी बॉयज है उनको पेमेंट नहीं मिला है, इसलिए मुझे लगा अभी तो इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अमेज़ॉन फ्लेक्स में ज्वाइन होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आईडी डीएक्टिवेट हुई तो बहुत सारे उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, तो उनको भी ये दिक्कत आ सकती है, तो पहले ही मुझे लगा सबको बताना चाहिए क्या क्या चल रहा है अमेज़ॉन फ्लेक्स में। अगर आप कभी जाते हो तब आपको पैकेट नहीं मिलते और कस्टमर केयर बताता है कि आपको पेमेंट मिलेगा, तो उसको ये वीडियो ज़रूर सजेस्ट करना कि इसको नहीं मिला तो हमें कैसा मिलेगा। ओके, तो दोस्तों यही कहना था इस वीडियो में, दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।